कचरे के ढेर में अचानक लगी आग से पूरी सब्जी मंडी चपेट में आ गई। मंडी की 45 दुकानों में लगी भीषण आग से करोड़ों का नुकसान हो गया है। इस दौरान मंडी परिसर में खड़ा एक ट्रक, दो पिकअप और एक टेम्पो भी जलकर खाक हो गया। व्यापारियों की दुकानों में पड़ा सामान भी पूरी तरह जल गया है। यह घटना बालूतरा जिले में मुंगड़ा रोड पर स्थित सब्जी मंडी की है। जानकारी के अनुसार सब्जी मंडी में गुरुवार रात करीब 1 बजे कचरे के ढेर में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। तेज हवा के कारण ये आग पूरी मंडी में फैल गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इससे मंडी परिसर में रखी सब्जियों और दुकानों के बाहर रखे सामान सहित एक ट्रक, दो पिकअप और एक टेम्पो जलकर खाक हो गया। इससे व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। आग की लपटें देख आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सब्जी मंडी में आग की सूचना मिलने पर बालूतरा विधायक अरुण चौधरी भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारी राजेश बिश्रोई ने आग को बुझाने के लिए रिफाइनरी क्षेत्र से अग्निशमन वाहनों को मंगवाने के निर्देश दिए। SDM राजेश कुमार ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जो भी कलेक्टर के निर्देश रहेंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि मंडी परिसर में इतनी भीषण आगजनी से आसपास के लोगों में भय का माहौल हो गया है। सब्जी मंडी के पास ही कृषि मंडी भी है, जहां पर तेल और घी के गोदाम भी बने हुए हैं। सब्जी फल एसोसिएशन अध्यक्ष चेतन माली ने बताया, हवा के कारण आग भड़क गई। आग की सूचना के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया था। सब्जी मंडी की 45 दुकानों में आग लगी है, अब नुकसान का पता लगाया जा रहा है। बालूतरा जिला मंडल हेड ओम प्रकाश गहलोत की रिपोर्ट।